डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग क्लास टेंथ में जो मैथमेटिक्स में शुरू किए हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पिछले दिन किया था और उसको बनाने के लिए भी दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं और कुछ लोग बनाए हैं, दैट्स ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ देम। और बाकी जो लोग नहीं बना रहे हैं उनको बकवास लगता होगा भाई, उनको हम एक नोटिस देना चाहते हैं ना कि वे लोग जो अभी स्टडी नहीं कर रहे ना, उनके लिए बहुत ही दुर्दशा की कहानी आने वाला है। आने वाले एग्जाम तो अपने टाइम पे होगी, खुद भी सरकार अगर मोहलत देगी तो एक महीने ना दो महीना, लेकिन लॉकडाउन कितने महीने हुआ, 5 महीने होने वाले टोटल मिलाकर। क्योंकि अभी अभी जो नोटिस आ रहा है ना, वो नोटिस ये आ रहा है कि अगस्त के बाद खुल सकता है, ऐसे नोटिस आ रहा है। ठीक है, पोखरियाल साहब हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो पोखरियाल साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, सरकारी, निजी, सभी तौर पे जो खोलने का आदेश उन्होंने बोला, रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बताया है 15 अगस्त या फिर पूरी अगस्त यानी लास्ट अगस्त के बाद खुल सकता है। सकता है का मतलब समझ रहे हैं? नहीं भी खुल सकता है। ठीक है, तो आप चीजों को गौर करो, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, बहुत प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में, बहुत दिक्कत आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग चीजों को समझ रहे ना, सब चीज को समझिए और फिर आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि सरकार जो है ना, आप ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में हम लोगों के लिए कुछ करेगा, ऐसा थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना है भाई कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स के सवाल हल्का कर देगा या फिर सवाल को लीक कर देगा कि आप पढ़े नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लॉकडाउन रहे नहीं रहे, सरकार को इसका कोई इफेक्ट नहीं, आपका टैलेंट देखना चाहती है। तो आप टैलेंट कब बनोगे, जब पढ़ोगे। तो इसलिए जो लोग नहीं पढ़ रहे तो उनके लिए दुखद समाचार आने वाले हैं, आप देखते रहिए। इसलिए आप हमेशा पढ़ते रहिए हमेशा चीजों को, ठीक है। और बाकी जो पॉसिबल हो रहा है हम यहां से खुद करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स का बात करें, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी दिया था आपको बनाने के लिए और आप बनाए भी हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और इस क्वेश्चन में दोस्तों फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन दी जाएंगी। जैसे मान लिया एक ट्रायंगल दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। अब एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल में बोला गया कि ये 12 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 12 सेंटीमीटर है। तो आप इसको निकालो, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ए बी सी। सबसे पहले आप त्रिभुज को देखिए कि इस त्रिभुज में किसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो आपको यहां पे फिगर दे दिया और आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो फिगर दे दिया और सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहां पे फिगर दिया हुआ है और हम इसका सॉल्यूशन करना है। आप देखो कि सबसे लंबी बड़ी भुजा तो ये है और इसका व्हाट है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वही ना यहाँ पे कर्ण है, एच का वैल्यू निकालना है। और कर्ण को छोड़कर ये मेरा हो गया आधार, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ये दोनों में से किसी को भी आप पी बोलो और किसी को भी आप बी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं कुछ नहीं दिया है तो एच का वैल्यू निकालना है और पी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और दोस्तों बी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। तब आप एच का यूज करके इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू निकालना है, एच का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका आगे का आप काम कर लीजिएगा। जरा हम एक और क्वेश्चन देते हैं और उस पर गौर कीजिएगा। इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसे है,
ऐसे है क्वेश्चन, देखते जाइए। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपको पता नहीं चल रहा है, ये दे दिया है मेरे को 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये निकालना है। और दोस्तों इसमें एक चेंज किया है, क्या चेंज किया है जरा देखिए, यहां पे ना एक एंगल लगा दिया जिसको थीटा बोलते हैं। अब बोल रहा है कि निकालो ये वाला चीज, हमको कुछ नहीं दिया बस ऐसे ही सवाल दे दिया, आप निकालो आप निकालो। तो आज से एक नया चीज सीखना होगा भाई, सीखना यह है कि अगर किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में कोण दिया हुआ रहता है, क्या दिया रहेगा, कोण, कोण मतलब थीटा, अगर कोण दिया हुआ रहता है तो इसके सामने वाला पी होता है, इसके सामने वाला क्या होता है, पी, ठीक है। और जब सामने वाला पी हो गया तो ये नीचे वाला क्या हो गया, बी, और ये खुद लंबी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो आज से ध्यान देना आप कि अगर किसी त्रिभुज में कोण नजर आए, कोण मतलब थीटा, तो उसके सामने वाला, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग बोल देते हैं पी, यानी कि उसको बोला जाता है लंब। ध्यान देना, फिर से हम इन बातों को बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी भी त्रिभुज में, अब यहां पे तो कोई कोण नहीं था तो आप लंबी भुजा एच निकालना था, और पी और बी में से हम किसी को भी पी मान सकते हैं क्योंकि यहां पे तो कोई कोण नहीं दिया हुआ है, तो कोई आदमी पी 5 बोल सकता है, बी 12 बोल सकता है, या फिर कोई पी 12 बोल सकता है और बी का मान 5 ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों क्यों यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों को कोई भी पी और बी माना जा सकता है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि कोई कोण यहां पे नहीं दिया है। लेकिन ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण दे दे तो आपको फिक्स पता होना चाहिए कि कोण वाला जो दिया रहेगा उसके सामने होता है पी, और सबसे बड़ा तो एच हो गया, और जो बाकी है वो बच गया, वो हो गया हम लोगों का भी। तो इस तरीके से यहां आप कैसे निकालिएगा, यहां हमें पी का वैल्यू निकालना है, ध्यान दिया, पी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू दिया है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर। तो आप पी का फॉर्मूला याद है ना, हम पिछले दिन पढ़े पी का फॉर्मूला, बी का फार्मूला और एच का फार्मूला। तो बी का फार्मूला याद होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो बाकी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अधूरा, हम बस यही समझाना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन है, देख लो भाई, देखते चलो क्वेश्चन। अगर मान लिया एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन के तौर पे दोस्तों यहां पे हम लोगों को एक एंगल दिया है थीटा, यहां पे क्या दे दिया, थीटा। तो जब यहां पे थीटा दे दिया और क्या क्या दिया है, ये थीटा दे दिया, ठीक है, और यहां दे दिया हम लोगों को 4, ठीक है, सॉरी यहां पे दे दिया हम लोगों को 6 और यहां पे दे दिया 6 और यहां पे दे दिया 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फिर बोला कि ये आप निकालो, हम क्या बोले भाई, आप इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे आपको बताएं कि अगर किसी त्रिभुज में थीटा दिया रहता है तो थीटा के सामने वाला को बोला जाता है पी, यानी कि ये हो गया पी का मान। और चूंकि सबसे कर्ण कौन कहलाएगा, तो तिरछा वाला कर्ण कहलाता है, सबसे लंबी भुजा ये है, तो इसको बोल देंगे एच, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक
ये एच का मान हो गया। और हमको अब निकालना किसको है, तो पी का तो मान सामने वाला होता है, यानी डी का वैल्यू हमको निकालना है। यानी यहां पे लिखिएगा कि दिया है, क्या क्या दिया है, तो एच बराबर 10 सेंटीमीटर, पी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी बराबर वाट। तो बी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, जो फिगर दिया हुआ रहेगा त्रिभुज का और आपको कुछ ना कुछ निकालने बोलेगा। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब की बार ऐसे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, देख पा रहे हैं, और यहां पे कुछ नहीं, तो ये थीटा दे दिया, ये थीटा दिया है यहां पे, और जब ये थीटा दे दिया तो ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये निकालना है। ठीक है, आप समझो कि इसमें किसका किसका मान दिया है। हम हमेशा बोलते हैं कि थीटा के सामने वाला देख लो, तो थीटा के सामने वाला को पी बोला जाता है, हमेशा लंब बोला जाता है, तो यहां पे लिखना दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो सामने थीटा के सामने कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पी बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो एच ना हुआ, सबसे लंबा तो एच हुआ, तो आप यहां से एच निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप एच यहां से निकाल लीजिएगा और ये हो गया हम लोगों का बी का वैल्यू, तो सॉरी बी का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 3 सेंटीमीटर, तो एच का फार्मूला यूज कर लीजिएगा। एच का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हम लोगों को इसका फार्मूला निकाल देगा एच का। तो आप कुल मिलाकर देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेगा, और जो भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा हम लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए इतना चीज आप समझ पा रहे होंगे, और हम सिर्फ आपको अधूरा अधूरा चीज समझाए हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन फार्मूला लगाकर छोड़ दिए हैं आप इसको जरूर पूरा का पूरा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र पे, तो हम लोग टॉपिक लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। अब ये इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसका जिक्र ही नहीं किया जा सकता है कि इतना भी महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि है। ठीक है, इसलिए इन चीजों को आपको पूरा का पूरे तरीके से आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है। ठीक है, देख लो भाई, महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये एक 90 डिग्री है। ठीक है, इसको मान लिया है हम लोगों ने थीटा, इसको क्या मान लिया, थीटा। तो जब इसको थीटा मान लिया है तो इसके सामने को हम लोग बोलेंगे पी, यहां से यहां तक पी होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने को पी बोला जाता है, पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबी भुजा होता है
उसको एच बोलते हैं। एच मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला को बोलते हैं बेस, यानी कि हिंदी में बोले तो आधार, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला, अब यहां पे सब चीज को आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर को देख पा रहे होंगे, और हम लोग पिछले दिन पढ़े थे भाई। पिछले दिन क्या पढ़े थे हम लोग, पिछले दिन पढ़े थे कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो छह तरीके का होता है। एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, पांच तरीका, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। यानी कि आप अगर अच्छे से चीजों को समझें तो ट्रिगोनोमेट्री छह तरीके का होता है। कौन कौन सा तरीका? पहला है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, आप इधर उधर भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस छवों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और लास्ट क्वाट थीटा। यानी कि चलिए इस डब्बा में हम लोग सबका नाम लिख देते हैं। पहला हुआ साइन थीटा, ठीक है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक है। देख लो, छओ का नाम याद रख लेना आपसे, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है याद रखना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये छह तरीके के ट्रिगोनोमेट्रिक होते हैं। त्रिकोणमिति में ये छह टाइप्स के होते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं, साइन थीटा का जो फार्मूला है याद रखना है, कॉस थीटा का फार्मूला याद रखना, टेन थीटा का फार्मूला याद रखना, कॉसेक थीटा का फार्मूला याद रखना, सेक थीटा का भी फार्मूला याद रखियो, कोट थीटा का फार्मूला याद रखियो। साइन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखना है, पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और टेन कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। देख पा रहे होंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वीवीआई फार्मूला, ठीक है, वीवीआई फार्मूला है। और जब तक ये याद नहीं होगा काम चलेगा नहीं, क्योंकि याद ही रखना होगा किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में आपको याद रखना होगा भाई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फार्मूला किसका क्या होता है, क्योंकि अभी आपके लिए सब चीज नया है, और अभी तो आपको ये भी पता नहीं चल रहा होगा कि छओ का नाम क्या क्या है, और छओ का नाम अगर पता भी चल गया तो छओ का फार्मूला याद रखना कितना टफ होता है। तो ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि सामने समझाने वाला अगर अच्छा रहेगा ना, तो कोई भी दुनिया में टफ चीज नहीं है, ये आपके लिए टफ है। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसा आइडिया देने वाले हैं जो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए अब समझते हैं वो आइडिया को, वो आइडिया कौन सा है, चलिए हम लोग बात करते हैं।
सबसे पहले चीजों को देखिए, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर में याद रखिएगा साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, नीचे में कॉसेक, सेक और कॉट होता है, ध्यान रहे। और आप ये भी याद रखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। और अगर आपको ऊपर वाला याद हो गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक याद, यानी कि ये छ नहीं है, तीने गो है। पी बटा एच है ना भाई, साइन थीटा का फार्मूला, कोसेक थीटा अगर कहीं पूछेगा पलट दीजिए, एच बटा पी, दिख रहा है। कोस थीटा का फार्मूला अगर आपको याद रहा बी बटा एच, तो आप सेक थीटा का क्या फार्मूला लगाएंगे, पलट दीजिए, एच बटा बी। टेन थीटा का फार्मूला पी बटा बी, तो कॉट थीटा का बी बटा पी, पलट देना है, क्लियर। यानी कि कुल मिलाकर अब हमें समझ में आ गया कि ऊपर वाला का उल्टा होता है नीचे वाला का फार्मूला। और दोस्तों आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, अगर मान लिया जाए कि कोई भी पूछे ना कि सेक थीटा बताओ, तो तुम तुरंत बता सको कि एच बटा बी, जरा सा भी टाइम नहीं लेना है। दैट इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट का ये पहचान है। अगर कोई पूछ दिया टेन थीटा, तुरंत बताएंगे पी बटा बी। अगर हमसे कोई पूछ दिया साइन थीटा, तो हम तुरंत का तुरंत बताएंगे पी बाई एच, राइट। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऊपर का तीन फार्मूला याद हो गया, तो उसके नीचे का भी तीन फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का कैसे याद होगा, ऊपर का कैसे याद होगा, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि ऊपर में कौन कौन सा है, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा में याद रखिएगा पी बाई एच, कोस थीटा में बी बाई एच, दोनों में ही देखिए तो एच एच नीचे में है, एक में साइन थीटा में पी, दूसरे में बी। लेकिन जैसे ही टेन थीटा का बात करते हैं तो ये एच वाली कहानी खत्म हो जाती है, पी पहले आता, बी बाद में आता, पी बटा बी, देखो। यानी कि सबसे पहले हम छओ को याद नहीं करेंगे, पहले समझो चीजों को, समझ जाओगे ना चीजें सिंपल। सबसे पहले तुम्हारे जहन में, दिमाग में ये होना चाहिए कि साइन टोटल छओ को होता है, अब किसका कौन उल्टा है, किसके नीचे क्या रखा है, तो साइन के नीचे कॉसेक है, कॉस के नीचे सेक है, टैन के नीचे कॉट है, क्लियर। अब ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में चला, फिर तुमको याद रखना है साइन का और कॉस का दो गो फार्मूला, कि साइन थीटा का क्या होता है तो पी बटा एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, लेकिन टैन तो एच एच वाला कैंसिल हो जाता है टैन में, और पी बटा बी। अगर दोस्तों हमसे कोई पूछ दिया कि तुम बताओ सेक थीटा का फार्मूला, तो हम सेक थीटा डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, हम सेक का आप देखेंगे कि सेक है कहां, तो सेक नीचे है, तो नीचे है तो ऊपर, नीचे वाला तभी ना बता सकते हैं जब ऊपर वाला याद रहेगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो कोई हमें सेक के बारे में पूछा, तो सबसे आपको पहले कोस के बारे में सोचना पड़ेगा कि अच्छा सेक के ऊपर क्या था, तो पता चला कॉस था, अब कॉस का क्या होता है तो बी बाई एच याद है, तो इसको पलट के बता दीजिए वहां एच बाई बी, समझ रहे। अगर हमसे पूछा कि कोट थीटा, तो कोट किसका ऊपर होता है टेन का, तो टेन याद कर लो कि टेन में तो एच एच खत्म हो जाता है, पी और बी होता है पी बटा बी, तो उसका कोट का फार्मूला हो जाएगा बी बटा पी। तो दोस्तों हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको जब तक ये पूरा का पूरा फार्मूला याद नहीं होगा, तब तक का हम लोगों का कोई भी चीज यानी कि एक कदम भी मुश्किल होगा चलने में, इसलिए आप चीजों को याद रख लो। अगर हमसे पूछा जाएगा कॉसेक थीटा, तो एच बटा पी, क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा जो उल्टा होता है साइन का, तो साइन का फार्मूला याद है हमें पी बाई एच, तो इसका पलट दो कॉसेक का, एच बटा पी लिख दो।
कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है बी बाई एच, तो सेक थीटा बताने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे एच बाई बी। टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी, तो कॉट का क्या होगा बी बाई बी। अब इतना सारा चीज याद भी हो गया तो अब समझ पा रहे होंगे ना कि पी एच क्या है, तो पी का मतलब लंब बटा कर्व, यानी कि ये शॉर्ट है। ऐसा नहीं है हमसे अगर कोई साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो हम लंब बटा कर्ण भी बता सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। कॉस थीटा का फॉर्मूला तो आधार बटा कर्ण, क्योंकि बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में लंब। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही छह इंपोर्टेंट फॉर्मूला अगर आपको याद हुआ तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर, ये उसके नीचे लिखा हुआ है ना, जगह नहीं था इसीलिए लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका मीनिंग हुआ कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, ऐसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्व। तो दोस्तों आज आपको क्या करना है, वक्स में पूरा का पूरा इसको ईमानदारी से इसको याद कर लेना है। अगर घर में कोई अगर पढ़ने वाला हो तो आप उससे बोलो एक बार याद करके ना, तुम किसी का भी फॉर्मूला पूछो, क्योंकि जो हम पहले बोल रहे ना अगर दोस्त आप उसको करते चले गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी। ठीक है, तो आप आपका काम है आज का वक्स इन फार्मूले को, इन सारे फार्मूले को एकदम टू दी पॉइंट आप कंठस्थ रट लो, और फिर अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।